सत्याग्रह के रास्ते पर दिल्ली और देश के सरकारी कर्मचारी। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए अपनाया सत्याग्रह। आईटीओ शहीदी पार्क में जुटे हजारों कर्मचारी। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले पुरानी पेंशन बहाली की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में आईटीओ के शहीदी पार्क में हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए सरकारी कर्मचारियों ने सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की अपील की। दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम को 1 जनवरी 2014 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए बंद कर नई स्कीम लागू की गई थी। कल से पेंशन सत्याग्रह का जो पूर्व नियोजित NMOPS का प्रोग्राम था कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है और सरकार से गांधीवादी तरीके से अपील की जा रही है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम सबके लिए बराबर हो, पेंशन का जो हमारा अधिकार है वो हमें मिले। नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन के मेंबर्स और पदाधिकारियों ने भी आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से भाग लिया। अब देखना होगा कि आखिर ये सत्याग्रह कब सरकार को जगाता है और कब इन लोगों को मुसीबतों से छुटकारा दिलाता है। गृह दर्पण टीवी के लिए राकेश चावला की रिपोर्ट।